प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की तर्ज पर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी। इससे ऐसा लग रहा था कि सड़कों की गुणवत्ता सुधारी जाएंगी, लेकिन अकोला जिला के ग्राम मंजलापुर में परिस्थिति विपरीत है। सड़क पर बने पुल के कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पुल के कारण खेत में जल भराव हो रहा है और खेती ने तालाब का रूप ले लिया है। कर्ज करके खेत में बुवाई करके इस जल भराव की वजह से अब किसान चिंता में गिर गया है। ब्रिज बनने के कारण ये खेत का नुकसान देखो कितना हो रहा है। मेरे ये अंकल का है, मेरे काका का खेत है। अभी इन्होंने कर्जा लेके और बहुत सारा कर्जा लेके मतलब खेत पेरे और देखो पानी पुल वाले के कारण कितना पानी आ गया खेत के अंदर और उस साइड भी बहुत मतलब डैमेज हुआ। एक साल से कंप्लेंट कर रहे हम लोग लेकिन रिपेयर नहीं हो रहा। पूरे मंजलापुर ग्राम वासियों को जल भराव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पूरे गाँव में जल भराव की समस्या है। बारिश के पानी की निकासी के लिए ग्राम पंचायत द्वारा कोई उपाय योजना नहीं होने के कारण जब भी बारिश होती है तो मुख्य सड़क मार्ग से लेकर गांव की गलियां जलमग्न हो जाती है। गांव की आबादी तकरीबन 2000 के आसपास है। इस गांव की अधिकांश गलियों में सीधी सड़क भी नहीं है। जब मूसलाधार बारिश होती है तो पूरा गाँव जलमग्न हो जाता है। जबकि शासन और प्रशासन ये विकास कामों के लिए लाखों रुपए दे रहे हैं, लेकिन गांव में विकास सिर्फ कागजों पर ही दिखाई दे रहा है। गांव के कुछ भागों में दूषित पानी आपूर्ति की जा रही है, जिसकी वजह से नागरिकों को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन गांव में के लोग मेहनत मशक्कत करने वाले हैं और सीधे साधे हैं। प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है।